हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स में, जहां पे हम महान हस्तियों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे विंसेंट विलेम वैन गोग के बारे में, जो कि वर्ल्ड फेमस डच पेंटर थे। उनका जन्म 30 मार्च 1853 को क्रूट जुंडर्ट नेदरलैंड्स में हुआ था। उनके माता पिता जी के पहले बच्चे की मौत के एक वर्ष के बाद ही विंसेंट का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम थियोडोरस वैन गोग था, जो कि एक चर्च में पादरी थे, और माताजी का नाम अन्ना कोर्नेलिया था, जो कि एक आर्टिस्ट थी। उनका परिवार बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक था। विंसेंट बचपन से ही बहुत ज्यादा इमोशनल थे और उनमें आत्मविश्वास की भी बहुत ज्यादा कमी थी। विंसेंट गोग डिलूजन्स और मेंटल इलनेस से ग्रसित थे। विंसेंट वैन ने बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने बुक स्टोर में आर्ट सेल्समैन के रूप में और पादरी के रूप में भी काम किया, पर हर जगह उनको नाकामी ही मिली। 30 वर्ष की उम्र में विंसेंट वैन ने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और उन्होंने ज्यादातर पेंटिंग्स अपनी जिंदगी के अंतिम 2 वर्षों में ही बनाई थी। विंसेंट गोग की जिंदगी कभी भी शांत नहीं रही। उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उसी वजह से वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बने। 1885 में विंसेंट ने पोटैटो ईटर्स नाम की पेंटिंग बनाई, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई। विंसेंट मेंटल इलनेस से ग्रसित थे, पर वही 1890 के आसपास उनकी हेल्थ में सुधार होने लग पड़ा। 2 महीने के बाद 27 जुलाई 1890 को एक एक्सीडेंट के दौरान उनको गोली लग गई और 2 दिन के बाद ही उनकी मौत हो गई। विंसेंट गोग की पूरी जिंदगी के दौरान लोगों ने उनके काम की बिल्कुल भी तारीफ नहीं की और उनकी जिंदगी में रेड मेनार्ड नाम की सिर्फ एक ही पेंटिंग बिक पाई। विंसेंट की मां विंसेंट को एक मूर्ख इंसान समझती थी और विंसेंट की मौत के बाद उनकी मां ने बहुत सी पेंटिंग्स को भी फेंक दिया था, पर विंसेंट की मौत के 3 वर्ष के अंदर ही उनकी सारी की सारी पेंटिंग्स बिक गई। मौत के बाद उनकी दुनिया में एक प्रसिद्ध पेंटर के रूप में पहचान बन गई और अपनी मौत के बाद उन्होंने अपनी मां को भी गलत साबित कर दिया, जो कि उन्हें मूर्ख इंसान समझती थी। विंसेंट ने 2000 से भी ज्यादा आर्ट वर्क को पेंट किया, जिनमें 900 से ज्यादा पेंटिंग्स और लगभग 1100 ड्राइंग्स और स्केचेस शामिल हैं। वर्तमान समय में भी विंसेंट की पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और महंगी हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लोगों की नहीं सुननी चाहिए, बल्कि अपने पैशन को पहचानना चाहिए और हमारा पैशन ही हमें हमारी मंजिल तक लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये थी विंसेंट वैन गोग की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल और अपग्रेड माइंड्स को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।